हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिना कोई टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में शादी सीजन चल रहा है, तो गाइस हर कोई चाहता है शादी में अच्छा दिखना। तो सबसे पहले हम हेयर से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ मामा अर्थ के ऑयल से। इससे क्या नरिशमेंट मिलेगा हेयर को। एंड उसके बाद जब हेयर्स में अच्छे से मसाज होने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है लेमन। लेमन का जो वन पीस है उसको मैं सबसे पहले ले लूँगी। इसको स्कैल्प पे अच्छे से उसका जो जूस है स्कैल्प पे लगाऊंगी। ये डैंड्रफ कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा लेमन। सो गाइस, ये अच्छे से अपने हेयर को सारी जगह से अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद हमारी बारी आती है फेस की। अब ये कंप्लीट होने के बाद मैंने फेस पे ले लिए है स्टीम। स्टीम से क्या है पोर्स ओपन होएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रब करूँगी। स्क्रब से क्या है डीप क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रब का यूज़ किया है। ये अच्छे से कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ स्क्रब कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल क्रीम का यूज़ किया है। इससे मैं अपने फेस को स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे से मसाज दूंगी इस टाइप से। सो गाइस, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा कोई भी फेस पैक यूज़ करना है एज़ यूज, मतलब जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी। ये कंप्लीट होने के बाद वो क्या है पोर्स जो ओपन हुए थे उसको डीप क्लीन किया था, अब उसको क्लोज करने की बारी थी। सो गाइस, अब आती है अपने हैंड्स की बारी। हैंड मैंने हैंड्स पे भी स्क्रब का यूज़ किया है। ये क्या करेगा, आपके जो स्किन है डेड स्किन सेल होते हैं जो, उसको क्लियर करने में अच्छे से हेल्प करेगा। सो गाइस, मैंने अच्छे से इसको दोनों हैंड्स पे अच्छे से मसाज दे दिया स्क्रब से। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सोडा पाउडर। एंड इसके साथ मैंने ले लिया है लेमन। लेमन से मैंने जो डार्क एरिया होता है जैसे कि एल्बोज में, तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे दोनों एल्बोज पे। आप इसको अंडर आर्म्स एरिया पे एंड अपने हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से अप्लाई होने के बाद आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।